गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा बेसिकली वो होने वाला है फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर, कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो कैसे वर्क करती हैं और किस तरह से उनको आप ट्रेड में यूज कर सकते हो। उससे पहले जो भी आप लोग जुड़े हो, सब हमारे MASP प्रोग्राम के मेंबर हो, और होप आप लोगों को काफी बढ़िया लग रहा होगा हमारा ये प्रोग्राम जो हमने अभी चलाया है। यहाँ पे लर्निंग और प्लस अर्निंग दोनों ही हम लोग कर रहे हैं एक साथ में, तो काफी बढ़िया होगा। और भी एक दो लोग रहते हैं मुझे लग रहा है, वो जुड़ जाएंगे अभी एक दो मिनट में। ठीक है, हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि इसकी मैंने प्लान किया है कि यार कि इसका जो रिकॉर्डिंग है ना, इसका रिकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूं। इससे क्या होगा कि जो लोगों को नहीं पता है रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा वो सीख लेंगे, बस एक ही क्लास का ये डालूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट नहीं डालना है हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ठीक है, वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? वॉइस लिखना यार, क्लियर आ रहा है? ओके ठीक है मीत भाई, ठीक है। और लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं। हाँ, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग यार मैंने ना अपलोड ही नहीं की, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, लास्ट सेशन की जगह कोई और क्वेश्चन आंसर सेशन का दे देता हूँ रिकॉर्डिंग, आज वाले का दे देता हूँ, खुश हो जाना आप लोग यार। लास्ट सेशन वाले का रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे पे। ठीक है, तो अभी क्या है हमारा आज का सेशन? आज का सेशन है हमारा फिब रिट्रेसमेंट। सबसे पहले बताओ यार, किसको किसको पता है फिबोनाची के बारे में, फिबोनाची नंबर्स या फिबोनाची के बारे में, या फिब के बारे में थोड़ा बहुत किसी को पता है? किसी को पता है तो बताओ। मुझे फिब टूल है, मुझे फिब टूल है इतना पता है। ठीक है, और किसको पता है? कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे पता है, प्रवीण जी, प्रवीण जी को पता है। चलो एक बार देखते हैं प्रवीण जी को क्या पता है, है ना? तो एक बार प्रवीण जी को अनम्यूट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनको एक्चुअल में पता क्या है और क्या नॉलेजेस हैं लोगों तक, वो समझने की कोशिश करते पहले। प्रवीण जी, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करो, थोड़ा सा बताओ मुझे क्या पता है आपको फिबोनाची के बारे में, फिबोनाची नंबर्स के बारे में या फिबोनाची के बारे में। आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। हेलो, वॉइस बहुत स्लो आ रहा है भाई, थोड़ा माइक के नियर आ जाओ, या माइक लगाए तो एग्जिट कर लो, माइक को निकाल लो। अभी आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। एक मिनट सर। मुझे पता है। हाँ सर। हाँ बोलिए सर। फिब रिट्रेसमेंट का जो वैल्यू होता है 0.383 5.0 तक का जो रिट्रेसमेंट होता है, अगर इम्पल्सिव वेव में अगर चल रहा है ट्रेंड तो वहां तक का रिट्रेसमेंट हेल्दी होता है, और उसके नीचे वाला जो होता है 60% या 70% का, वो गोल्डन रेशो करके उसे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वहां से अगर मतलब वहां तक अगर रिवर्स होता है कोई ट्रेड तो वहां से रिवर्सल के चांस हो सकते हैं, अगर अच्छा रिवर्सल होता है। हाँ, इतना सर पता है मुझे। बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, कुछ इस तरह का ही है, हमने भी कुछ इस तरह का ही पढ़ना है, थोड़े से और चीजें हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, बढ़िया बात है, और काफी सारे लोगों को पता भी है, कभी लोग कह रहे नहीं पता सर सीखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सिखाते हैं। तो बेसिकली भाई ने यहाँ पे जो बोला है कुछ इस तरह का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे कि जिनको नहीं पता है उनको भी समझ में आ जाए। पहले बात, फिबोनाची क्या है? फिब को बनाने वाले ना लियोनार्डो नाम था, मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ ऐसा नाम था। और उन्होंने किनका माइक अनम्यूट है यार, एक बार माइक म्यूट कर लो। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा फिब नंबर बेसिकली, तो आपको आ जाएगा उनका नाम भी शायद से यहाँ पे आ जाए। ये फिब नंबर्स है, एक ये मैथमेटिक्स है, और चलो ठीक है कोई भी है, एक ये मैथमेटिक्स है, नाम से क्या लेना है अपने, जो कि बेसिकली एक पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में कुछ भी अगर घटना होता है या कुछ भी चीजें चेंजेस आती हैं उनमें, या फिर हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आती है, कुछ भी चेंजेस आती है, तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग आती है। जो नंबर्स कुछ इस तरह के होते हैं 0, 1,
1, 2, 3 है ना, कुछ इस तरह के नंबर होते हैं, 5, 8, 13, 21 कुछ इस तरह के नंबर्स होते हैं ये। हाँ तो ये नंबर्स बेसिकली कैसे आते हैं, ये वन वन को प्लस किया टू आ गया, टू और थ्री को प्लस किया फाइव आ गया, हाँ थ्री और फाइव को प्लस किया एट आ गया, फाइव और एट को प्लस किया थर्टीन आ गया, तो एट और थर्टीन को प्लस किया, कुछ इस तरह से ये बेसिकली पूरा नंबर चलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो जिन्होंने ये जिस मैथमेटिक्स ने ये बनाया था, इस मैथमेटिक बंदे ने बनाया था ये, इस मैथमेटिक को, उसने उसका ये फंडा था कि भाई ये जो चीजें चल रही है ना, ये चीजें जो हैं बेसिकली पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही काम करती है। मान लो एक बॉल है, एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम नीचे की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ छोड़ते हैं, तो वो बॉल जमीन से टकरा के कितना ऊपर आएगा, जो ऊपर आएगा वही बेसिकली एक रिट्रेसमेंट है। जैसे कि हमारे तो अगर हम देखेंगे, ऐसे समझ लीजिए 10 बंदे खड़े कर दिए हमने, और 10 बंदों को एक रेंज से बॉल को फेंकने को बोला, छोड़ने को बोला बेसिकली, तो सबके बॉल एक सेम नंबर से जाके रिवर्स हो जाएंगे। वो जो रेंज है बेसिकली वो एक फिबोनाची नंबर्स के थ्रू निकलता है। एग्जैक्टली वैसे कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई रेस कर रहा है, और जहां पे जिस लेवल पे पहुंच के सारे बंदे थकेंगे, एग्जैक्टली वहीं पे पहुंच के एक मतलब रेंज बन जाएगा, उसी प्लेस पे पहुंच के सारे बंदे थकेंगे, वहां पे स्टॉप होंगे। मतलब यहाँ से अगर आपने एक पॉइंट से आपने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया, अगर आप यहाँ पे जाके थक रहे हो, तो चांसेस हैं सारे बंदे इसी रेंज के आसपास आके थकने वाले हैं। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं फिबोनाची नंबर्स के थ्रू निकाला गया। तो जब इतना कुछ यहाँ पे था, तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको स्टॉक मार्केट में भी लगाया जाए, क्योंकि प्राइजेस भी तो मूव कर रही हैं, चल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाकर थकेंगी या कहीं ना कहीं जाकर रुकेंगी। तो एग्जैक्टली इसको स्टॉक मार्केट में परसेंटेज रेशोस के तौर पे यूज किया गया। अब अगर मान ले कि जैसे भाई ने कहा इम्पल्स वेव होता है, एक मार्केट ट्रेंड है, एक ट्रेंड में मार्केट है, या मैं कह सकता हूँ इसको मैं रिमूव करता हूँ, मार्केट एक ऊपर जा रहा है, इस ट्रेंड में जा रहा है, तो सीधा सीधा मार्केट ऐसे नहीं चलेगा। जब भी मार्केट चलता है हायर हाई बनाता है, कुछ इस तरह से होगा फिर ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से होगा फिर ऐसे जाएगा। तो एक अप ट्रेंड में ये जो छोटे छोटे करेक्टिव फेसेस आ रहे हैं ना, या फिर हम कह सकते हैं रिट्रेसमेंट आ रहे हैं पुल बैक के लिए, वो रिट्रेसमेंट को हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा था और ये रिवर्स आ रहा तो कितना नीचे और आ सकता है, और हम कहाँ से पुल बैक में, हम कहते हैं ना पुल बैक में बाइंग करना है, तो हम इसको किस नंबर से या फिर कहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ये हमारा फिब रिट्रेसमेंट बताता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, तो और कितना ऊपर यहाँ से जा सकता है, अगर नीचे आया है, अगर मान लीजिए हमने रिट्रेसमेंट निकाल लिया, ये रिट्रेसमेंट हो गया है, अब यहाँ से ऊपर कितना जाएगा वो पता करने के लिए भी हमारे पास एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर कितना और जा सकता है। राइट, आते हैं चार्ट के ऊपर। इसके चार्ट के ऊपर थोड़ा सा चीजें मैं समझा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक सर, लियोनार्डो नाम है, हाँ लियोनार्डो, राइट। तो चार्ट के ऊपर मैं आ गया हूँ। चार्ट के ऊपर क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे पहला नंबर ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरे में अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए फिब रिट्रेसमेंट पहला है, दूसरा है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। ये दोनों चीजें बेसिकली हमारी वर्क करती हैं। तो अब अगर हम मान ले यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, या फिर मैं 5 मिनट पे इसको कर ले रहा हूँ, हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं। अभी ऊपर से देखेंगे क्या है, ऊपर से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आया, तो ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जब जा रहा है, ये हमें क्या डाउन, ये क्या दिखा रहा है, एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन कह सकते हैं, या फिर एक ट्रेंड का ब्रेकडाउन, एक बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ है, अब नीचे आया यहाँ तक, ठीक है, अब ऊपर जाने लगे, अब ये रिवर्सल हो रहा है या ऊपर जाएगा क्या, आप कैसे पता लगेगा, ये फिब रिट्रेसमेंट से हम मार्क कर सकते हैं। कैसे मार्क करेंगे, हम आएंगे फिब रिट्रेसमेंट में, यहां से उठाएंगे फिब रिट्रेसमेंट, जिस तरफ का ट्रेंड है ऊपर से हमें इसको मार्क छोड़ना है, और नीचे की तरफ विक तक इसके पूरे से खींच देना है, ऐसे विक तक खींच देना है। अब आता है असली गेम यहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने नंबर्स का खेल बताया था उसमें देखिए क्या क्या नंबर्स शामिल है। सबसे पहला नंबर जो यहाँ पे आपको दिखेगा वो दिखेगा 0 का, उसके बाद यहाँ पे 0.236 का एक नंबर है, दूसरा नंबर आता है 0.38,
और तीसरा ये 5 है। ये नंबर्स कैसे आते हैं अगर आपको ये कैलकुलेशन भी समझना है, ये भी बहुत आसान है। मैंने क्या बताया था आपको, 1 + 0 + 1 1 होगा, हाँ, और 1 + 2 3 होगा, और 2 + 3 5 होगा, 3 + 5 8 होगा। ये ऐसे नंबर्स मैंने बताए थे। अब अगर कोई भी बीच में से मैं दो नंबर्स को उठाऊंगा ना, ये 5 और 8 को उठाऊंगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली रेशियोज होता है, वो यही रेशियोज यहाँ पे लगे हुए हैं, वही रेशियोज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कैलकुलेशन में उतना जाने की वैसे जरूरत है नहीं, हमने कौन सा यार एग्जाम देना है। बेसिकली हमने क्या है, अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हम हो जाए वही बहुत है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेंड मार्क किया। अब जैसे अभी पीछे भी हमने सुना था, भाई ने बताया कि 0.618 एक गोल्डन रेशियो माना जाता है। एग्जैक्टली इसमें गोल्डन रेशियो कौन सा है, ये है। देखिए थोड़ा सा आपको कलर भी दिख रही, इस तरह का लग रहा है। 0.38 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो हम सोच सकते हैं कि नहीं भाई, अब ये रिट्रेसमेंट नहीं, अब ये रिवर्सल करने के मूड में है, मतलब अब ये ऊपर जा सकता है। बट अगर 0.68 के आसपास टकराता है, टकरा के आपको एक नेगेटिव सिनेरियो दे रहा है, तो यहां से आप सेल साइड में जा सकते हैं। तो क्या ये नंबर्स का कोई वैल्यू नहीं है, ये नंबर्स के भी वैल्यू है, बट बहुत ज्यादा जो नंबर वैल्यूबल होता है वो होता है 0.68 या फिर 50%। अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर्स पे मैं ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ, आप इनको हटा भी सकते हो, इनको गायब भी कर सकते हो सेटिंग में जाके। तो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, फिलहाल जो हमारे पास नजर आ रहा है वो 0.68 से को टच किया और मार्केट सीधा फॉल कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास इतना ही है, हमें दिख गया कि मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पे एक स्विंग बना के नीचे आ रहा है। अब कितना नीचे जा सकता है वो कैसे मार्क करेंगे, वो एग्जैक्टली ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट से भी हम देख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने फिब रिट्रेसमेंट उठाया, यहां से मैंने पकड़ा, यहां तक ड्रॉ किया, यहां से इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसमें अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट बनता है, अगर मान लीजिए यहां से हमने किया, यहां से नीचे आया था, ऊपर गया था, हमने यहां पे सेल किया, हमारा पहला टारगेट एग्जैक्टली 0.618 बनता है, जो कि यहीं पे आएगा। दूसरा टारगेट हमारा 1 का बनता है, जो कि ये बना एग्जैक्टली 1 के पास से जो है रिवर्स हुआ, फिर वही 0.68 से टकरा के फिर से नीचे फॉलो किया। फिर अगले टारगेट जो बनते हैं वो 0.68 ही बनेगा, और 1.68 वो यहां पे रिट्रेसमेंट लिया और फिर कंटिन्यू कर रहा है। अभी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ये मैं एक यूज सिर्फ बता रहा हूं। अभी मैं इसको स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, इसके साथ क्या चीजें हैं, सब कुछ समझाऊंगा मैं। ये अभी सिर्फ एक चीज मैंने बताया है। तो यहां पे एक चीज मुझे समझ में आया, इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज बेसिकली क्या है, फिर से एक बार समझा रहा हूँ जिससे लोगों को सही तरीके से समझ में। डिलीट करता हूँ, कोई और सिनेरियो पे चलते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अब मान लीजिए यहाँ पे दिन की शुरुआत हुई, ये रहे, ये आज मान लेते हैं हम, ये मार्केट क्लोज हो गया है, ठीक है, ये मार्केट क्लोज हो गया है 31 तारीख को 31 मई को दिन की शुरुआत हो रही है। दिन की शुरुआत हुई है कुछ इस तरह का, एक नेगेटिव सिनेरियो दिखाया हमें, नेगेटिव कैंडल दिखाया है, अगेन ऊपर जा रहा है। चलो यहाँ पे तो स्विंग बेसिकली मिल नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट चाहिए हमें, रिट्रेसमेंट लगाने के लिए हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। अब ये क्या किया, नीचे गया लेकिन यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट नहीं दिखा रहा है, तो हाँ अब यहाँ से रिट्रेसमेंट आना शुरू हुआ। चलिए यहाँ पे आ गया रिट्रेसमेंट, मान लेते हैं यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ तक आया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट आ गया ना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिब का मैं रिट्रेसमेंट मार्क करूंगा। एक अपट्रेंड में था स्टॉक, यहाँ से यहाँ तक मैं ऊपर गया, अब ये वापस नीचे कहां तक आएगा वो हमें ढूंढना है। बेसिकली समझ लीजिए मार्केट यहीं तक था, क्या हो रहा है, लाइव मार्केट में आया, यहां से नीचे आने लगा, तो अब नीचे कहां तक आएगा वो हमें नहीं पता है ना। ऊपर गया था, ऊपर में नीचे कहां तक आना, हमें बाय कहां से करना वो नहीं पता है। यहां देखिए यहां पे कहां से रिवर्स ले रहा है, ये एग्जैक्टली 0.382 से, मतलब यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था, लेकिन एग्जैक्टली यहां पे इसने रिवर्स लिया और फिर इसी के रेंज में घूम रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या हुआ इसमें, फिर अब यहाँ पे साइडवेज होके थोड़ा सा ऊपर गया है, साइडवेज होके निकल गया है, बट हमारा टारगेट क्या बनता, फिब रिट्रेसमेंट मार्क, फिब एक्सटेंशन मार्क करेंगे टारगेट देखने के लिए। यहां से यहां तक आया था, यहां से यहां रिट्रेसमेंट लिया था, हाँ रिट्रेसमेंट लिया। पहला टारगेट हमारा ये होता 0.38, वो हिट हो गया,
उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट होता है 6-8 का, 6-8 का भी अप्रोक्स अप्रोक्स जो है वो हिट किया है, उसके बाद फॉल गया। तो बेसिकली जब भी ये रिवर्स होगा किसी एक रिट्रेसमेंट लेवल से रिवर्स होगा, मेरे कहने का मतलब है 3-8 है, 3-8 का लेवल बढ़िया है, 3-8 का अगर आपको नहीं मानना है आप 5 पे कर लीजिए, 50% पे कर लीजिए, यहाँ पे अगर 50% पे नहीं आया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एक रूल आपको मान के, थम रूल मान के चलना होगा, आप 6-8 वाले सारे ट्रेड लेना चाहते हो पुल बैक ट्रेड, आप 6-8 वाले सारे ट्रेड लो, 0.68 वाला लेना चाह रहे हो आप 0.68 वाला सारा ट्रेड लो, जो भी आपको करना है एक चीज पे आपको मतलब बेसिकली टिके रहना है। और जब एक ट्रेंड में मार्केट रहता है ना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, वहां पे ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। जैसे मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में अगर जाऊंगा, मैं 1 आवर में जाऊंगा या किसी स्टॉक्स में चले जाएंगे हम, ये देखिए जब स्टॉक जो है एक सिंपल ट्रेंड में रहेगा, अब देखिए यहाँ से लेके कंटिन्यू एक ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पे आपको बिग प्रॉफिट बुक करने में ये मदद करेगा। कैसे मदद करेगा ये? अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके। मैं इंट्राडे का एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, और बैंक निफ्टी में कल का ही दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी है, सारे ड्रॉइंग्स मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ एक बार, रिमूव ऑल ड्रॉइंग। मान लीजिए यहाँ से नीचे आ रहा था स्टॉक, आपने सेल में आप बैठे हो, यहाँ पे आप सेल में बैठ गए हो, अब आपको एसएल ट्रेल करने हैं। जब भी मार्केट नीचे आया, यहां तक नीचे आया है, आपको क्या देखना है? आपको जस्ट देखना है इसका रिट्रेसमेंट जो है, यहां से मैं यहां पे लगाऊंगा, यहां से मार्केट मान लेते हैं यहां तक आया, तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो हर बार अपना स्टॉप लॉस रखना है 0.68 पर, 0.68 के नंबर पे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। यहां पे आपने एंटर किया था, या समझ लीजिए यहां पे एंटर किया, जहां पे आपने एंटर किया था उसका 0.68 पे रखना है, स्विंग टू स्विंग लगा के 0.68 पे अपना स्टॉप लॉस आ गया। अब मार्केट और नीचे आ गया, मान लेते हैं मार्केट और नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और नीचे आ गया स्टॉप लॉस, फिर यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, फिर से हम क्या करेंगे, स्विंग को यहाँ से लेके यहाँ तक स्विंग मार्क करेंगे और 0.68 पे फिर से अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। ये इसी को उठा के मैं 0.68 वाले नंबर पे लगा दूंगा, सेफ है अभी भी स्टॉप लॉस। मतलब जब जब ये स्विंग चेंज करेगा, स्विंग टू स्विंग, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। फिर से जब रिट्रेसमेंट लेगा, यहां से लेके यहां तक रिट्रेसमेंट लिया, फिर से हम क्या करेंगे 0.68 पे लगाएंगे, यहां से पकड़ेंगे, बेसिकली इस रिट्रेसमेंट से पकड़ेंगे, इस रिट्रेसमेंट से इस रिट्रेसमेंट लगाएंगे, जहां पे 0.68 हिट कर देगा वहां पे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.68 कौन सा, यही है ना, हाँ यही है, यहाँ पे हिट कर रहा है, हिट कर रहा है क्या, ये रिट्रेसमेंट आया है यहाँ से यहाँ तक, नहीं हिट किया, अभी भी बच गया है, अभी भी अगर मैं इसको हटाऊंगा डिलीट करूंगा तो ये देखिए एग्जैक्टली थोड़े से पॉइंट से बच गया, यहाँ से हाई विक रिजेक्शन ले लिया है। अगेन देखते हैं, यहां से लेके यहां तक एक स्विंग बन गया है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक स्विंग बन गया है, क्या 0.68 का लेवल हिट कर दिया है, ये देखते हैं, इसी को मैं नीचे कर दूंगा 0.68, अभी भी बचा है। मतलब कितना बड़ा ट्रेंड हमने राइड कर लिया सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके 0.68 के नंबर पे, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट क्लोज हो गया है, समझ रहे हो, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। सर लाइव मार्केट में किधर पता चलता है अगला कैंडल क्या बनेगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे? राइट, हमने वही किया है, आपको देखने में समझ में नहीं आया है। अब देखो, मान लेते हैं अभी मार्केट शुरू हुआ है, कल का ही डे लेता हूं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, ये लो यहां पे मार्केट शुरू हुआ है, आपको एक ये यहां तक चल रहा है, आपको एक ट्रेड मिल गया, इस स्विंग के नीचे आपने ट्रेड ले लिया, यहां पे आपका ट्रेड एंटर हो गया, ठीक है, यहां पे आपका ट्रेड एंटर हो गया, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, अब यहां से ऊपर जाने लग गया मार्केट। ध्यान से देखना, हमें कुछ नहीं पता आगे क्या बनेगा, हमें कुछ नहीं पता है, हमने इसके नीचे ट्रेड लिया, इस कैंडल क्लोज पे ट्रेड लिया है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, हमें कुछ नहीं पता, मार्केट नीचे आया ऊपर जाको जाने लग गया है, ठीक है, चलो ऊपर को जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब ये ऊपर को जाने लग गया, हमने एक रिट्रेसमेंट उठानी है, यहां से हमने एक रिट्रेसमेंट उठानी है, इस स्विंग से इस स्विंग पे मार्क कर देना है, और हमारा 0.68 का स्टॉप लॉस अभी जहां पे है वहीं पे बन रहा है, अप्रोक्स अप्रोक्स जहां पे है उसी के आसपास में बन रहा है। चलिए आइए देखते हैं रिट्रेसमेंट कहां तक हुआ, रिट्रेसमेंट ज्यादा नहीं हुआ, नीचे जा, अभी भी हमारा स्टॉप लॉस सेफ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं बन रहा है, यहाँ पे कहीं बन रहा है, स्टॉप लॉस सेफ है, अभी भी सेफ है, मार्केट नीचे आ रहा है, देख रहे हो, अभी भी स्टॉप लॉस सेफ है। अब चलो एक नया स्विंग फिर से बन गया, छोड़ दो इसको,
एक नया स्विंग फिर से बन गया, एक नया स्विंग फिर से बन गया है, इसको डिलीट करता हूं मैं पहले। हाँ, फिर से एक रिट्रेसमेंट उठाओगे, एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक मार्क कर दोगे, ये लो, ठीक है, एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक मार्क कर दिया। जब भी मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे से जब ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हम कर देंगे। अब देखिए 6-8% कहां पे आ रहा है, अब हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होके कहां पे आएगा, इसको ही कर देता हूं, यही है ना। चल अभी भी सेफ है। तो इस तरह से अब देखिए, मैं मेरे को नहीं पता आगे क्या ट्रेंड होगा, मैं बिल्कुल लाइव में आपको बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता आगे क्या ट्रेंड होगा। इस तरह से ट्रेल करते हुए आपको चले जाना, इस तरह से ट्रेल करते हुए चले जाना। समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार जी। देखा है यहाँ पे क्या किया हमने? क्योंकि हमें तो स्विंग तो दिखेगा ना भाई, कब ऊपर जा रहा है मार्केट, कब ऊपर जा रहा है हमें ये तो पता लगेगा। आप देखो, मान लो मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ इस पॉइंट पे, इस तरह का कोई पैटर्न बनाया, यहाँ पे हमने सेल ले लिया, यहाँ पे हमने सेल कर लिया, मार्केट नीचे आ रहा है, ये तो हमें दिख रहा है ना कि ऊपर जाने लग गया है। अब कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता हमें, कितना ऊपर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, 68% पे ऐसे अपना स्टॉप लॉस छोड़ देंगे। चलो, जहां अगर 68% हिट कर गया तो हम निकल जाएंगे, अगर यहीं से रिवर्स हो गया तो वेल एंड गुड है, फिर नीचे आया, फिर वापस जाने लगा, फिर दोबारा से हमें नहीं बताया भाई कहां तक जाएगा, लेकिन इतना पता है यहां से लेके यहां तक जितना ट्रेंड हुआ है उसका अगर 68% क्रॉस कर दिया तो हम एग्जिट होंगे। एग्जैक्टली, मार्केट जब ऊपर जाएगा, अगर 68% टच नहीं करता फिर से नीचे आ गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए बहुत मस्त चीज मिल रहा है, समझ रहे हो? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? किसी को यहां तक कोई डाउट है? स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए 0.618 बेटर है? हाँ, नो सर, नो डाउट। ओके विपुल जी, ठीक है। किसी को अगर डाउट है उनको अनम्यूट कर सकता हूं मैं। अपूर्वा जी क्या पूछना चाह रही है? अपूर्वा जी को अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ अपूर्वा जी, आप क्या पूछना चाह रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। हेलो, हाँ अपूर्वा जी बोलिए। ये स्विंग टू स्विंग एसएल ट्रेल करना सही है या फिर ये 0.618 के थ्रू चलते चले इंट्राडे या स्विंग, मतलब किसमें क्या यूज करें? इंट्राडे पे भी कर सकते हो, स्विंग पे भी कर सकते हो। ये रिट्रेसमेंट नंबर ना जो है हर एक रेंज पे वर्क करेगा, जहां पर भी आपको एक स्विंग टू स्विंग मिल गया वहां पे ये वर्क करता है। यूजुअली तो हम स्विंग टू स्विंग ही लगाते ना। हाँ, अब वो यूज करें या फिर ये फिबोनाची लगा के 0.618 नहीं, ये एक आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स दे रहे हैं। अगर आपको स्विंग टू स्विंग वर्क बढ़िया करता है तो आपको स्विंग टू स्विंग में क्या होता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, हाँ, इधर रिट्रेसमेंट किया, इधर नीचे आ रहा है, अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, राइट? यही करते हो ना अभी? जब ये वापस ऊपर जा रहा है, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे इतना ज्यादा लॉस देने के बजाय अगर 618 निकल रहा है तो हमें पता है कि अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये जो है, ये जो दूरी है ये बचा सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एक्स्ट्रा स्किल्स है जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको। स्विंग और इंट्राडे दोनों में कर सकते हैं। हाँ, स्विंग और इंट्राडे दोनों में कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट अभिषेक कुमार जी। अभिषेक कुमार जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ अभिषेक कुमार जी, आप कुछ बोल रहे थे शायद, आपकी वॉइस नहीं आ रही है यार। एक डाउट था, लेट्स से 40 रुपए का स्टॉप लॉस खा रखा, रिट्रेस हुआ तो प्रीमियम डीके के कारण 40 तो हिट जल्दी होगा ना, देन इस पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस कहाँ लगाए? भाई आपको चार्ट इसका ही देखना है, बैंक निफ्टी का देखना है। आप फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, यहाँ पे हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप TCS में ट्रेड कर सकते हैं, आप विप्रो में ट्रेड कर सकते हैं, आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं ना। ये बेसिकली ऑप्शंस के लिए, सिर्फ ऑप्शंस के लिए नहीं है, ये और भी चीजों के लिए है। यहाँ पे कैश में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप कैश में ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक चीज, एक स्किल सिखाया जा रहा है, ये स्किल सेट से आप काम कर सकते हैं, ये तो ठीक है। टारगेट कैसे डिसाइड किया जाएगा? हाँ, ये तो हमने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, अब हम माल कहाँ पे काटे? भैया मैंने ना एक ट्रेड ले लिया है, आइए देखते हैं, कोई सेटअप ढूंढते हैं, ये देखिए।
बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं या कहीं भी, चलिए स्टार्टिंग में देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ले लिया है, यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट दिया, इसके नीचे हमने ट्रेड ले लिया है। अब अगला मूव कहाँ तक होगा वो आप फिब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करेंगे, एक्सटेंशन को कैसे यूज करेंगे। यहां से ये पेंसिल से नहीं चलेगा, यहां से यहां तक आया है मूव, एग्जांपल लेते हैं, यहां से यहां तक मूव आया है, रिट्रेसमेंट कहां तक आया है, यहां तक रिट्रेसमेंट आया। तो आपका अगला टारगेट जो होगा वो 618 का लेवल होगा, कौन सा होगा, 0.618। ये हमें नहीं पता है नीचे क्या हुआ है, हमें सिर्फ रिट्रेसमेंट मिला है। फिर से समझ लो, फिर मत कहना सर चालू मार्केट में तो कोई भी बना लेगा, लाइव मार्केट में बनाओ, हमें नहीं पता है क्या होने वाला है, हम भूल जाते हैं। ये मार्केट खुल गया, ये मार्केट खुल गया, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, ये मार्केट खुल गया है, हमें क्या करना है, हमें स्विंग देखना है। ये देखो मार्केट चल रहा है, ये ऊपर की तरफ एक स्विंग बनाने लग गया, देखिए यहाँ से डाइवर्जन मिल गया, ये ऊपर की तरफ एक स्विंग बना रहा है, एक ऊपर की तरफ ये स्विंग बनाया है। हम क्या करेंगे, यहां से एक्सटेंशन लगाएंगे, यहां से मैं एक्सटेंशन लगाऊंगा यहां तक, यहां से जहां तक रिट्रेसमेंट आया है। अब ये हो गया, एक मिनट यार, इस पेंसिल से सही नहीं कर रहेगा, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। हाँ लीजिए, यहां से यहां तक आया मार्केट, रिट्रेसमेंट यहां तक लिया है, यहां से नेगेटिव कैंडल बना दिया हमने, देख लिया। चलिए अब अगला टारगेट क्या होगा हमारा, 618 का लेवल। ये मैं यहाँ पे लाइन मार्क करके इसको डिलीट कर दूंगा, ये मेरा टारगेट है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसका जरूरत नहीं है मुझे। चलिए देखते हैं टारगेट हिट करेगा क्या। यहाँ पे हमने सेल भी, यहाँ पे हमने ऊपर सेल लिया है या यहाँ पे रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग सेल लिया है, जैसे मर्जी सेल लिया है हमने, चाहे यहाँ पे सेल लिया, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं भी सेल ले लिया है, टारगेट चाहिए हमें, बस टारगेट चाहिए। आइए चलते हैं आगे, आगे की तरफ चलते हैं, स्लो एंड स्टडी निकलते हैं। क्या ये टारगेट हिट करेगा, ओ कर दिया, वाओ टारगेट हिट कर दिया। फिर से कोई रिट्रेसमेंट अगर आता है, अगला अगला टारगेट वैसे 1 का होगा इसका, ये 618 था, अगला टारगेट जो बनता है 1 का बनता है। कैसे बना था, यहाँ से यहाँ तक आया था, ऊपर रिट्रेसमेंट लिया था छोटा सा, 618 ये था, अगला टारगेट 1 का बनता है इसका, ये 1 का टारगेट है, 1 पे लगा दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या ये 1 भी हिट कर देगा, हाँ 1 भी हिट कर दिया, 1 भी हिट कर दिया है। अगला टारगेट फिर 618 का होता है, उस तरह से आप इसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना, ये टारगेट्स होते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है। सर दोनों साइड विक है तो विक टू विक कनेक्ट करना है या बॉडी टू बॉडी, नहीं, विक टू विक, ऊपर जो भी रेंज रहेगा, दोनों तरफ विक है, दोनों तरफ विक टू विक कनेक्ट करना है, कहीं बॉडी का इसमें रोल नहीं है, ठीक है, विक टू विक कनेक्ट करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमें मापने के लिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमें देखने के लिए विक टू विक कनेक्ट करना है, बॉडी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इस तरह से किसी भी स्टॉक्स में आ जाते हैं, छोड़िए ये बैंक निफ्टी निफ्टी तो बहुत हमने कर लिया, किसी स्टॉक्स पे चलते हैं, हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपोलो हॉस्पिटल पे, अपोलो हॉस्पिटल या कोई भी स्टॉक आप लोग सामने लिख दो, कौन से स्टॉक पे देखना है, वो स्टॉक लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा पहले से डिसाइडेड स्टॉक है ये है ना, कोई भी स्टॉक पे हम कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, पीछे चलते हैं, ये एक ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है, ये एक ट्रेंड चल रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट मैं यूज करूंगा, ऊपर से नीचे आ रहा था स्टॉक, यहां से लेके यहां तक लगाया, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा ऊपर, ऊपर हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। देखिए 38 का लेवल, एग्जैक्टली 38 के लेवल पे रिजेक्शन खा रहा है मार्केट, यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं, मार्केट नीचे, सेकेंड डे नीचे आया है, फर्स्ट बट सेकेंड डे में यहाँ पे ही टेस्ट करके एग्जैक्टली 0.38 का लेवल है ना, ये 50% है ना, हाँ 50% 50% का लेवल है, 50% के लेवल से रिजेक्शन लिया। मैंने आपको क्या बताया, दो रेंज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कर लो, छोटा सा अपने नोटबुक में नोट कर लो, मैं जो भी ट्रेड्स लूंगा, जो भी ट्रेड लूंगा 50%, मैं कहता हूँ ना कि ब्रेकआउट अगर हुआ है, ब्रेकआउट हुआ यहां से लेके यहां तक आपके ब्रेकआउट, अगर 50% भी रिट्रेसमेंट हो रहा है तो आप अपना पूरे रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पे 50% एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 50% जो है ना ये फिबोनाची नंबर्स का लेवल नहीं है, ये खुद से एक साइकोलॉजिकल नंबर लिया गया है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, जब वो वर्क या कोई राइटिंग कर रहे हो, जब वो 50% खत्म, कितना खत्म हो गया यार, बस बस आधा हो गया है, मतलब एक रिलैक्स मिलता है, मतलब आधा हो गया है, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है 50%। इसलिए देखिए एग्जैक्टली 50% से कितना तगड़ा हाई विक रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल किया है, 50% का नंबर जो है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। आप दो नंबर नोट कर लो, एक 50%, एक 618।
618 और 50% से जब जब आप ट्रेड लोगे, इन दोनों नंबर से ही लोगे, या 618 से लोगे या 50% से लोगे, ठीक है सर? रिलायंस में देख लो दोनों साइड विक है, हाँ रिलायंस में देख लो, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आइए रिलायंस इंडस्ट्री को ये अपन आ जाते हैं स्टार्टिंग में ही, चलिए छोड़िए यहां पे आते हैं। अब यहां पे देखते हैं कल का क्या टारगेट निकल सकता है एज पर द एक्सटेंशन, कल का क्या टारगेट निकल सकता है। मार्केट नीचे आ रहा था, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, एक्सटेंशन मैंने उठा लिया, ये एक स्विंग है, इस स्विंग से इस स्विंग पे मैंने मार्क किया, यहां से लेके यहां तक रिट्रेसमेंट हुआ है, इसको मार्क कर लिया, वन तक ही आ ही गया है। बाय द वे अगला टारगेट इसका होना चाहिए 168 का, अगला टारगेट ये होना चाहिए नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो, अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। बट अगर यहां से फिर से रिट्रेसमेंट ले लिया, फिर कंटिन्यू आ रहा है, फिर तो ये टारगेट है। बट मान लो कल मार्केट खुलता है इस तरह से, कल मार्केट खुलता है यहाँ पे इस तरह से रिट्रेसमेंट यहां तक ले लेगा, तो हमारा कैसे एक्सटेंशन मार्क होगा? तो कल फिर हम एक और एक्सटेंशन मार्क करेंगे, सॉरी ये मैं बना देता हूँ, हाँ कल फिर हम एक और एक्सटेंशन मार्क करेंगे, यहां पे आएंगे, इस स्विंग से यहां तक लगाएंगे, यहां तक लगाएंगे विक तक, और यहां तक अगर रिट्रेसमेंट लिया है, यहां से रिवर्स हो रहा है तो यहां तक लगाएंगे। तो पहला टारगेट हमारा क्या बनेगा, यहां से अगर हम सेल करेंगे, मान लो रिवर्स हो गया, यहां से ये पुल बैक ले लिया, इतना पुल बैक ले लिया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया हमारा, हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन गया है, ये 618 का लेवल है यहाँ से, तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा, हमारा अगला टारगेट ये होगा, ये अगला टारगेट होगा, फिर उसके बाद ये टारगेट होंगे, है ना? अब तक अप्रोक्स यही जो टारगेट पहले मार्क किए हैं वही टारगेट है। किसी के अगर कोई डाउट है यहां तक में तो बेझिझक होके हैंड रेस कर सकते हो, बेझिझक होके चैट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, थोड़े से लोग हैं। एमएसपी प्रोग्राम अभी हमने उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया है, ये टेस्टिंग है, ये आप लोग जो भी हो एक टेस्टिंग के हिस्सा हो, जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को सेटिस्फेक्शन है, किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आप लोगों के मन में एमएसपी को लेके कोई मतलब सुझाव भी है तो आप हैंड रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे बोल सकते हो, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट कर दूंगा। मीत भैया ने अलाउ करने के लिए कहा है, मीत भैया एमएसपी प्रोग्राम कैसा लगा आपको? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है और सर मजा भी आ रहा है, और जो सब आप लेवल देते हो वो लेवल बढ़िया वर्क करते हैं। मैं वैसे तो बेसिकली उसमें ही वर्क करता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी में, बट मैं जो आप लेवल देते हैं दूसरे मतलब स्टॉक के, उसको भी मैं चेक करता रहता हूँ, बढ़िया वर्क करते हैं। हाँ, अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल कैसे वर्क करते हैं? जब फर्स्ट डे में ट्रायंगल दिया था कितना पैसा बनाता हूँ? हाँ सर, वो बहुत बढ़िया वर्क किया था, बट उस टाइम में एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, बट मैंने वो वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, बट वो मैं मार्क करके चला गया था, और जो लॉन्ग पोजीशन होती है ना। एक चीज ध्यान रखना यार, अगर सिर्फ टिप्स दे रहे होते हैं तो ये क्लासेस नहीं लगाने थे आपको, सिर्फ और सिर्फ उन लेवल्स को यूज नहीं करना है, बल्कि समझना है कि वो लेवल्स लग कैसे रहे, ठीक है भाई? जी सर, है ना, लेवल्स लग कैसे रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सर एक और वो है कि आप क्या करें कि आप सजेशन बॉक्स दे दीजिए कि नेक्स्ट टाइम हमें कुछ मतलब किस टॉपिक पे ये करना है, तो क्या है कि सब लोग अपना अपना टॉपिक बताएंगे जिसमें सबसे ज्यादा। बहुत अच्छा, मतलब अपकमिंग जो क्लासेस हम करें वो किस चीज के ऊपर किया जाए, हाँ उसके लिए कुछ हमें पूछ लीजिए, तो जब सबसे ज्यादा जो पूछे उनको वो मतलब उस तरह से। अच्छा, एक मतलब पोल क्रिएट कर दिया जाए, सबसे ज्यादा जिस पे वोट आता है उस पे हम। हाँ राइट सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है जी सर, ठीक है। पर प्राइस कैसा लग रहा है, 999 रुपए सही है? मतलब एकदम सही है सर, कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है, इतना तो सर अभी एक दिन का ही है अभी, क्या बोले। चलो, हमने जानबूझ कर ये प्राइस इतना कम रखा है क्योंकि एक छोटा से छोटा स्टूडेंट भी जुड़ के सीख सके इस चीज को, और साथ में थोड़ा बहुत जेब खर्चा पॉकेट मनी भी निकल सके, क्योंकि जब पैसा नहीं आता है ना तो वो मोटिवेशन नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पैसा साथ में आता रहता है, सीखने के लिए मोटिवेशन बना रहता है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके साथ रह सकते हैं इसके साथ। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। शिवानी जी ने हैंड रेस किया, शिवानी जी बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर ये जो विक्स आपने जो बोला है कनेक्ट करना है वो मैं समझी हूँ, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा मेरे से मिस हो रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाएगी क्या? तो मैं बार बार नहीं, आप वैसे अभी अगर कोई डाउट है आप पूछिए, इससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है किसी और के माइंड में डाउट नहीं आता है, लेकिन किसी के आ जाता है तो वो सोचता है हाँ यार ये भी डाउट होना चाहिए था, कोई अगर डाउट है तो पूछिए, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा।
हाँ डाउट कुछ भी नहीं है, बट समझने में मुझे एक बार और पक्का हाँ मैं करना रिकॉर्डिंग है जरूर, कि जो ये वीडियो, आपने, हाँ ये वीडियो ना मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप देख ओके, लेना। बाकी पूछ लो क्या कह रहे हो आप, जो आपने हाँ जो आपने रिट्रेसमेंट का जो मार्क्स लेवल मार्क्स किए थे वो जरा एक बार बताएंगे क्या? ऊपर हाँ पहले वीक के ऊपर आपने ज्वाइन किया, फिर नीचे में कहाँ पर आपने मैं फिक्स बता रहा किया हूँ, मैं बता उसको? रहा हूँ, सबसे ऊपर जो रहेगा, हाँ जो एकदम हाँ टॉप पे है, जो वाला, ये यहाँ पे इतने सारे हैं। अब यहाँ से एक स्विंग टू, बेसिकली ये कैसे मार्क होता है, ये एक स्विंग टू स्विंग मार्क होता है। स्विंग टू स्विंग, आपको हाँ स्विंग पता है स्विंग्स कैसे बनते हैं, हाँ 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 यहां से मार्केट समझ लीजिए ऊपर जाना, इस रेंज से शुरू किया ऊपर गया, ये हाँ यहां से रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ऊंचा जो रहेगा, जो विक हाँ सबसे ऊंचा है, और यहाँ पे जो सबसे नीचे है उसको पकड़ना है, उससे इसको कनेक्ट कर देना है। ओके ठीक हाँ, जो है नंबर्स आएंगे वहां तक मतलब रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है ठीक हाँ, है। जो आपको तो अभी नंबर ये माइंड में ऊपर रखना से है वो 50% वाला एक नंबर बहुत अच्छा होता है, एक जीरो सिक्स पॉइंट वन एट सिक्स वन एट ये दो नंबर्स ओके आपको नजर में रखने, एक इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, इसको साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। ओके हाँ, आप क्या कह रहे ओके थे आप? हाँ तो ये रिट्रेसमेंट अभी आप इसके ऊपर मार्क करके मेरे को बताइए। फर्स्ट ऊपर वाला एक विक है और नीचे में कहाँ पर? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, मान लीजिए ये है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हाँ नहीं है, ये ऐसे मार्केट हाँ चला, यहाँ पे आया। हाँ अब यहाँ पे अगर मैं स्विंग टू स्विंग देखूँ, एनु कहियो जरा, एक मिनट मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर तक। यहाँ पे एक स्विंग टू स्विंग अगर देखूँ मैं, ये यहाँ से मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लिया, इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक मैं मार्क कर लिया। ओके ये देखिए, बराबर टॉप का ठीक एक मैंने विक पकड़ा है, है एक यस लोअर विक पकड़ा है, यस 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 हाँ ठीक है। तो मेरे ये को है। हाँ, थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये ऊपर में स्विंग जो दोबारा से रिट्रेसमेंट ले रहा है उस नहीं, वहां तक एक नहीं बेसिकली जाना है। स्विंग टू स्विंग ही रहेगा, जैसे यहाँ पे ओके कुछ और देख लेते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं, यहाँ पे कितने सारे स्विंग्स बन रहे हैं, कोई बड़ा सा स्विंग देख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा आपसे समझ में आएगा जो ट्रेंड में हो। हाँ, आप देखिए, मान लीजिए ये ऊपर से नीचे तक, ऊपर तक गया है, जिस तरफ ट्रेंड रहेगा उस तरफ ही खींचना है, उल्टा नहीं खींचना। अगर ये यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो उल्टा चलेगा, जिस तरफ हाँ ट्रेंड जा रहा है उस तरफ ही खींचना है। यहाँ इस स्विंग से पकड़ा, इस स्विंग पर मार्क कर दिया, छोड़ दिया। 618 का हमारा नंबर कौन सा है? 618 का हमारा नंबर ये है, गोल्डन वो ये हाँ नंबर है, ये है। एग्जैक्टली मार्केट क्या किया, ऊपर जा रहा था, यहां से जब रिट्रेसमेंट आया 618 के बाद से फिर से ऊपर गया। कितना ऊपर गया वो मैटर नहीं किया, बट ऊपर गया, यहां से इसने रिवर्सल लिया। हाँ, यहाँ पर ट्रैप करके फिर से नीचे आ गया, तो आपका एसएल यहाँ पर चाहे हिट हो जाएगा, वो बात अलग है, क्योंकि एसएल तो हिट होना ही है, विदाउट एसएल तो मार्केट आई नहीं हाँ है ना। तो मतलब एक रिट्रेसमेंट में आपने लेना है। अब यहाँ पे देखिए, स्विंग लगाना भी सही नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट कोई ट्रेंड में नहीं था। जब मार्केट एक ट्रेंड में रहेगा बढ़िया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे देखिए मार्केट साइडवेज हो रहा था। ट्रेंड में जब रहेगा मार्केट, हायर हाई या लोअर लो, ट्रेंड में फॉर्म कर रहा होगा, तब ये ज्यादा बढ़िया वर्क करेगा। जब ट्रेंड लाइन में मार्केट चल रहा होगा, यहाँ पे जैसे अगर देखोगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन में चल रहा है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट जो है वो ज्यादा बढ़िया वर्क करेंगे। अब देखो, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से मार्केट हम देख लेते हैं, यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक यहाँ पे स्विंग बनाई है, एक स्विंग ऊपर बन गया। हाँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट उठानी है, इसके विक पे छोड़ना है और इस विक तक खींच देना है। अब हमारा अपकमिंग रिट्रेसमेंट जो होना चाहिए वो कहाँ तक होना चाहिए, 618 नंबर तक। एक मिनट, सिक्स वन इसको एट बीच में तक इसको डिलीट कर देता हूँ, ये 618 नंबर तक। मैं यहाँ पे 618 पर, यही है 618, मैं यहाँ पे 618 पर एक छोड़ देता हूँ। अब आगे देखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, आगे देखते हैं क्या यहाँ तक से आके वापस गया है ऊपर, आगे देखते हैं। हाँ, चलिए, पूरे यहाँ तक नहीं आया है, 50% से रिवर्स हो गया है। तो मैंने क्या बताया था, 50% साइकोलॉजिकल नंबर है, वो भी वर्क करेगा। इसी स्विंग से हमने लिया था ऐसे, ये देखिए एग्जैक्टली 50% पे अगर मैं मार्क करूंगा तो ये 50% से कुछ होके निकल गया ऊपर, ये देखिए हुआ है वही, तो ऊपर गया, हाँ 50% राइट को छूके निकल गया। राइट। तो अभी हमको अपने स्ट्रेटेजी के अंदर ये 50% या एक ही गिनना है, या 618 गिनो या 50% एक ही गिनो? आपको एक ही फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर आप ओके सिर्फ 618 फॉलो करते हो तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिलता, अगर आप सिर्फ 50% फॉलो करते हो तो ट्रेड ज्यादा आपको मिलेंगे। बट क्या होगा, फिर आपको स्टॉप लॉस जो लगाना पड़ेगा वो 618 के नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता ओके है कि मार्केट ऐसे, यहां से आपने रिट्रेसमेंट लगाया, 50% पे आया, आपने ट्रेड ले लिया। यहाँ पे देखिए, बात करते करते एक स्ट्रेटजी भी बन गई है,
रिट्रेसमेंट आया 50% पे, 50% पे हमने ट्रेड ले लिया और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा 618 के नीचे होगा। तो इन अ वे हम दोनों को यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एंट्री होगी, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर बाई चांस से ये ऊपर नहीं गया, यहाँ तक टच करके फिर भी ऊपर चला गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना अच्छा ट्रेंड दिया इसने, फिर 50% से रिजेक्शन हो गया, कितना अच्छा ट्रेंड दिया ऊपर का। तो ये इसको हम यूज कर सकते हैं अपने। ओके okay. और सर ये ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन जो है, आप जैसे 3 पॉइंट्स मार्क कर रहे हो, मैं ट्राई कर रही हूँ, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, दो ही पॉइंट। अब मान लीजिए मार्केट एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ ऊपर कोई लेवल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल टॉप पे खड़ा है। कोई स्टॉक आपका नाम बताओ जो टॉप पे खड़ा हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप पे खड़ा है क्या? महिंद्रा एंड महिंद्रा वन डे के टाइम फ्रेम में लगाते हैं। हाँ, टॉप पे खड़ा है, एग्जैक्टली। चलिए, ये बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब फिब रिट्रेसमेंट सब कुछ रिमूव कर देता हूं मैं ड्राइंग यहां से। ये अपने टॉप पे खड़ा है। अब फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसका एक स्विंग हमें मार्क करना है। ये एक स्विंग है इसका। हमने क्या करना है, एक्सटेंशन लेना है। एक्सटेंशन हमने उठा लिया, इस स्विंग से ऊपर तक हमें मार्क कर देना है। अब ये रिट्रेसमेंट कहां तक होगा पहले वो फाइंड करना है। अभी भी नेगेटिव कैंडल बना है। अब ये नेगेटिव कैंडल बनेगा, देख पॉजिटिव कैंडल जब बनेगा, जब ये ऊपर को जाने लगेगा, मतलब अगर पहले पहले तो हमें रिट्रेसमेंट मार्क करना पड़ेगा। एक्सटेंशन मार्क करने से पहले ये नीचे कहां तक आएगा। अब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ है तो मैं फिर रिट्रेसमेंट उठाऊंगा। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पे सभी एक ये समझ लो प्रोजेक्ट है हमारा, आज के लिए ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसको हम चाहे 10 दिन तक वॉच करना पड़े, इसको हम एक बार नजर में रखेंगे हम सभी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसको हम लगा लेते हैं 50% पे पहला नंबर, 68 के नीचे इस स्विंग पे दूसरा लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जब भी ये नीचे यहां तक आएगा, हमें इसको सिर्फ नजर रखना है, जब भी ये 50% तक आ जाएगा यहां तक, हाँ, तो यहां पे हमारी इसकी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। समझ रहे हो आप? यस। समझ में आ रहा है शिवानी जी? हाँ जी, हाँ जी। तो सोचने ही पड़ गए। अच्छा। नहीं नहीं, मैं धीरे बात कर रही थी। अच्छा, आपको अब यहाँ से उठाया हमने ये एक्सटेंशन, अब हमें टारगेट लगा रहा है। मान लीजिए प्राइस यहाँ तक आ चुका है, अपकमिंग टारगेट हमारा क्या होगा जब हम वहां से बाइंग करेंगे? मैंने क्या समझाया था, पहला टारगेट 618 गोल्डन रेशियो तक, और अगर इसके ऊपर निकल जा रहा है फिर सीधा 1 1 1। ये अब ऊपर कोई लेवल नहीं था लेकिन फिर भी हमें टारगेट मिल गया। पीछे कोई कैंडल नहीं है, देख लीजिए जहां तक मर्जी दूर दूर तक देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा पीछे, बिल्कुल अपने टॉप पे खड़ा हुआ है स्टॉक। फिर भी हमें ऊपर के लेवल्स मिल गए इस फिबोनाची नंबर्स के मदद से। डिलीट कर देते हैं, ये इतने लेवल हो गए। हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा है यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इसको हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन देखेंगे कि हमने जो ये बनाया अभी की अभी स्ट्रेटजी ये कितना वर्क कर रही है। ये लॉन्ग पोजिशन हमने यहाँ पे लगा लेना है। जब भी यहाँ पे स्टॉक आएगा हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। चलिए, इसको हम एक हमारे लिए प्रोजेक्ट है, इसको हम देखेंगे ये कितना वर्क कर रहा है। 1:3.2 का है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। स्टॉप लॉस सिर्फ 44 पॉइंट, स्टॉप लॉस सिर्फ 28 पॉइंट का है और टारगेट 92 पॉइंट का है। इसको हम नजर में रखेंगे, हमारे लिए स्विंग ट्रेड का काम करेगा, ठीक है। ओके, और अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो दूसरा टारगेट हमारा और भी ऊपर ये वाला हुआ। चलिए, मैं यहां तक कर देता हूँ। ये सब अपने फोन में फोटो खींच लो, अपकमिंग डेज में 10 दिन 15 दिन बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये कहां पर स्टे कर रहा है, हमारा ये जो हमने स्ट्रेटजी बनाया कहां तक वर्क कर रहा है। चलिए, ओके, ठीक है गाइस। और किसी का कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? किसी का कोई डाउट इसके रिगार्डिंग अगर है तो आप पूछ सकते हो, वरना आज का क्लास हम कर देंगे ओवर, क्योंकि थोड़े से लोग हैं अभी, ज्यादा लोग हैं ना। वरुण वाली जी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? वरुण वाली जी, देख लेता हूँ। हेलो, हाँ वरुण जी बोलिए। सर, मेरे को ये था कि सर देखो, फिर रिट्रेसमेंट हम लेते हैं कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, और हमने जब एंट्री लेनी है जैसे कि 60% का लेवल वो टच कर रहे हैं, 50% का कर रहे हैं, जब सर उस कैंडल को टच करके वापस आता है तो हमें क्या नीचे वाला जो लेवल होगा, जो 60 का टच किया 50 क्रॉस करने के बाद एंट्री लेनी है, 50% क्रॉस किया 60 से नीचे आते रुक तो एंट्री ले लेनी,
नहीं 68% से अगर या 50% से अगर रिवर्सल कैंडल बना रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है तो हम ले लेंगे, ठीक है सर, क्योंकि हम प्राइस एक्शन के खिलाड़ी है तो हमें कैंडलस्टिक्स का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 50% पे एक ऐसे आया सीधा ये कैंडल बेरिश मारू वो जो बन गया, तो यहाँ पे तो भाई सोच ही नहीं सकते ना हम। कुछ इस तरह से अगर आएगा ये, इस तरह से होते होते आएगा यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तभी हम एंट्री लेंगे। सर साथ में एक फिप एक्सटेंशन हमें बताता है टारगेट, है ना? एक्सटेंशन से हम टारगेट है ना, जैसे इसने सर 50% का जो अभी स्क्रीन पे है 50% का इसने टेस्ट किया, ये गया 0.68 तक गया, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। तो सर जो हम 0.7 बीच में स्किप कर रहे हैं ये सर क्या सिस्टम क्या होता है, मतलब कि फिर सीधा हमारा टारगेट जा रहा है 1 पे, स्ट्रेटजी को मानना तो एक को ही मानना पड़ेगा आपको, कई बार यहाँ से भी रिवर्स होगा और कई बार यहाँ तक भी जाएगा, लेकिन मोस्ट चांसेस रहते हैं यहाँ तक जाने के। सर मैं यही पूछ रहा था कि मेन लेवल 60% 50% और 1 राइट और 0.3 सर ये मैटर करता है? वो छोटे छोटे ट्रेंड में मैटर करता, बड़े ट्रेंड में नहीं मैटर करता। थैंक यू सो मच। हाँ अमित भैया को एक बार अनम्यूट कर देते हैं। हाँ अमित भैया बोलिए। हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर आप कई बार टारगेट देते हो ऐसे ही बिना मतलब देखे, तो वो कैसे देते हो? वो इतना आइडिया रहता है ना कि अब ये परसेंटेज क्या है, अब ये परसेंटेज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव आया है उसका 50%। अब आपको एक मैं लंबा सा रॉड दिखाऊंगा, भाई इसका 50% क्या है, आप इंची टेप थोड़ी लोगे, इतना तो अंदाजा है यार, ये 2 फुट का होगा, 1 फुट इतना बड़ा होगा, 12 इंच, ये इसका 50% है। एग्जैक्टली ट्रेंड को देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक अगर ट्रेंड है, एग्जांपल लेता हूँ मैं, छोड़ो अब समझ लो ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड है तो मैं ये फिबोनाची थोड़ी मार्क करूंगा, मुझे पता है ये 50% है, और लगा के देख लेते हैं, मुझे पता ही, अब फिबोनाची मैं निकालूंगा मार्क करूंगा दिन में तो सुबह हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं जो मैंने बोला फिप रिट्रेसमेंट यहाँ से मैंने उठाया यहाँ तक मार्क कर लिया, क्या बोला आपको 50% कहाँ पे है? एग्जैक्टली यहीं पे 50% है ना? हाँ तो बस वही है, ये तो जस्ट परसेंटेज है, हमें पता है हमें कहाँ से कहाँ तक, अभी अगर यहाँ से यहाँ तक हम मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे इसका 618 यहाँ पे आएगा इसका 618 एग्जैक्टली 618 से ये बस हुआ है, नाप के देख लो, ये लो नाप के देख लो, यहाँ से यहां तक आया है, बड़ा कर लेते हैं इस चार्ट को, ये 618 का लेवल है, ये 618 का लेवल एग्जैक्टली ये 618 से ही रिवर्स हो, चलो हाँ ऊपर थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये, बट 618 के आसपास से ही ये रिवर्स हो गया, ये 618 के आसपास से 618 के ऊपर नेगेटिव कैंडल बनाया, ये अगर देखोगे ये कैंडल स्टिक यहाँ पे 618 के नीचे क्लोज किया, 618 के ऊपर यहां से जाने की कोशिश किया है, लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोज किया है वो नीचे क्लोज कर दिया है और देखो नीचे निकल गया, तो ये तो पता ही हमें 618 कहाँ पे बन रहा है, ये बार बार इसलिए मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मेरे माइंड में रहता है कि भैया ये कितना परसेंट रिट्रेसमेंट कर चुका है ना, कोई भी ट्रेंड आप लोगे वो पता लग जाता है, माइंड में हमारे बैठा है। अब ये अगर देखेंगे ये यहां से लेके यहां तक मारेंगे, यहां पे भी 50% से थोड़ा सा कम है बट रिट्रेसमेंट हो गया है 50% के आसपास से, देखो ये रिट्रेसमेंट में मार्क करूंगा, ये एग्जैक्टली 50% से थोड़ा सा कम भी नहीं है, पूरे डिप पे 50% से रिट्रेसमेंट, तो ये तो देख के आंखों से पता लगना चाहिए आपको कि भाई रिट्रेसमेंट थोड़ी मार्क करते रहेंगे सारा दिन, तो देख के पता लगना चाहिए कितना परसेंट रिट्रेसमेंट, हर एक स्विंग से हमें पता होना चाहिए कितना परसेंट रिट्रेसमेंट कौन ले रहा है। अब ये है, ये भी पूरे 50% का रिट्रेसमेंट है, ये ऊपर से लेके नीचे तक आया है, 50% का रिट्रेसमेंट लिया है और फिर फेल हो गया यहाँ पर, यहाँ से मैं मार्क करूंगा ये स्विंग से, बेसिकली ये स्विंग से ये मार्क होना चाहिए, तो 50% नहीं है, 50% से कम है, सॉरी 618% है, 618% लेकिन फेल हो गया, ये फेल क्यों हो गया क्योंकि नीचे W पैटर्न बन गया था तो ऊपर ही आ रहा था इसमें, तो ये चीज है। और सर एक वैसे सिली सा क्वेश्चन है पूछूं क्या? ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड हुई है? ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट से डिसाइड होती है, स्पॉट का प्राइस डिसाइड होता है उनकी कॉम्पोनेंट से, इनमें परसेंटेज का वेटेज है, वेटेज से डिसाइड होता है। अच्छा थैंक यू फॉर दैट। ओके।
सर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो हिट हो जाता है और मार्केट टारगेट टच करता है तो लॉस कब, अब ये वाला स्टॉप लॉस लगाना, हाँ 618 का लगाना, लेक्चर अकाउंट भाई 618 का लगाना, अब बढ़िया मजा आएगा आपको। एमएसपी में सर ऑप्शन सेलिंग सिखा दो, सिखाएंगे यार, यार अब 999 रुपए का है, हर महीना रिन्यूअल करवाना सिखाएंगे। प्रवीण अटोले जी क्या कह रहे हो आप यार, प्रवीण जी को थोड़ा सा अनम्यूट कर देते हैं एक बार, प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं शायद, बढ़िया सा। हाँ जी प्रवीण जी अपने आप को अनम्यूट कर। हेलो हाँ सर, हाँ जी क्या कह रहे हो सर जी, आप इतने कम प्राइस में इतने बढ़िया स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। प्राइस भी नहीं है तो भाई 999 रुपए महीने का है, मतलब दिन का अगर लगाएंगे फिर तो वही बाइक ट्रेडिंग सेशन है, एक दिन का कितना पड़ रहा है कैलकुलेटर खोले एक बार, एक दिन का मेरे हिसाब से 945 के अराउंड ना, 999 डिवाइडेड बाई 22, हाँ 45 रुपीज के अराउंड, एक दिन का 45 रुपए ले रहे हैं, ये 45 रुपए की क्लास है, वो भी सैटरडे संडे तक एक्स्ट्रा है जी सर, वही तो क्योंकि ऐसे स्ट्रेटजी के सर 10-10 हजार रुपए लोग लेते हैं सिंगल। अरे दुनिया को बोलने दो भाई सर, आप इतने की तो चाय पी जाते हो। शिवानी जी कह रहा है वन मोर क्वेश्चन, तो शिवानी जी को एक बार अनम्यूट कर लेते हैं और आज का फिर इसमें खत्म करते हैं। शिवानी जी का नंबर कहाँ गया यार, हाँ ठीक है मिल गया। हाँ जी शिवानी जी बोलिए। सर मैं एक्चुअली नेक्स्ट वीक से जा रही हूँ वन मंथ के लिए बाहर राइड पे, तो फिर मैं कैसे करूँ, यानी आपका ये रिन्यूअल अभी करवाऊँ या आने के बाद में करवाऊँ? आने के बाद करवाइएगा सर, वहाँ पे जब चले जाओगे पता नहीं आप टच में फिर रहोगे नहीं रहोगे, क्लासेस लगाओगे नहीं लगाओगे, है ना, ट्रेड करोगे भी कि नहीं पता नहीं, तो आने के बाद मेरा फिर वो संडे वाला क्लास मिस हो जाएगा ना, वो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर संडे को वहाँ पे आप क्लास लगाओगे? तो मैं उसके पहले, क्योंकि आप लाइव में बोल रहे हो ना अभी थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, तो मुझे ऐसे लगा नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो किसी और बैच का। ओके ओके ठीक है, तो मैं 24 के पहले ज्वाइन कर लूंगी। ठीक थैंक यू। सबको आपके साथ रहना है सर, चाहे सर एक क्वेश्चन विपुल जैन जी आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी विपुल जी बोलिए। जी सर पूछिए। एक्चुअली मेरी क्वेरी ये है कि जैसे सर अपन एंट्री करते हैं ना निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ना सर, एंट्री पॉइंट से लास्ट स्विंग जो होता है ना सर, वो लास्ट स्विंग का जो 40 पॉइंट का मान लो एसएल बन रहा है निफ्टी में, तो सर मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर अपन 40 पॉइंट का अगर एसएल अपन मार्केट को दे रहे हैं तो सर जो मेजरमेंट वाला आता है ना सर उसमें उसी से उसी को मैं कोरिलेट करके उसको 40 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ। और मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहता है कि अगर 40 की अपना फर्स्ट टारगेट अच्छी हो गया तो यहाँ पे अपने को एक लोट निकालना है और सेकंड लोट अपने को कोस्ट टू कोस्ट करके और आगे के लिए। ठीक है बढ़िया है, तो सर मैं ये सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? बहुत बढ़िया कर रहे हो। अपन ने जहाँ से एंट्री लिए समझ गया मैं, आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ जहां से आपने एंट्री लिया, फर्स्ट लॉट यहाँ पे निकाल के सेकंड लॉट का टारगेट यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया और अगर ऊपर गया तो वेल एंड गुड, अगर नीचे भी आ गया तो हम ये मन में मान लेंगे कि एक ही लॉट ट्रेड किया था। जी सर हाँ बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है ना सर, जो स्विंग होता है जो वो कितने भी पॉइंट का एसएल बन रहा हो, चाहे 35 पॉइंट का बन रहा हो तो 35 से 35 का टारगेट रखूंगा जिससे ज्यादा। सही सही एकदम सही यार, एकदम सही है ना सर। ठीक है सर मेरी एक पेरी, चलिए ठीक है यार। चलिए अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ और आज का क्लास एंड करता हूँ, मिलते हैं फिर। ये सब क्या भेज दिया पूर्वा जी, इतना सारा लिंक बाद में देख लेता हूँ। चलिए ठीक है।